देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चुनाव में कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं? वो समर्थन तो हमारा बीजेपी का। क्यों 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 क्या भाई, नेता इसका बहुत बढ़िया है भाई। पॉलिटिक सुन ले, पॉलिटिक कौन सी करवाओ, हम दूसरे तैयार हैं। पॉलिटिक तो वैसे अच्छी, मोदी साहब बढ़िया, कट्टर है बेकार। सरकार तो काम अच्छे करती है, लेकिन जो नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वाले काम अच्छे नहीं करते। भाई मोदी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है, देश के विकास के लिए काम कर रहा है, अच्छी सरकार है, इसी को सपोर्ट करते हैं। आप कौन सी पार्टी को समर्थन करने वाले? जो भी कैंडिडेट बीजेपी मांगो उसको ही था। हम भी बीजेपी ने करेंगे भाई, और हम नारे पट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंचन टीवी पर। आज हम पहुंचे हैं गांव नारा में। यहां पर हम जानेंगे लोगों के विचार कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं और किस राजनेता को वो चाहते हैं। चलिएगा मेरे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आप? जगदीश। जगदीश जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को समर्थन करने वाले? वो समर्थन तो हमारा बीजेपी कर रहा है। क्यों क्योंकि भाई नेता इसका बहुत बढ़िया है। वो कांग्रेस, INLD, JJP व अन्य पार्टियां होगी, उनको समर्थन क्यों नहीं? भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ इसमें बीजेपी में। लेकिन विपक्षी कहते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। वो तो कहेंगे और क्या करेंगे। तो अगर यहां की बात करें, इस राणा हल्के से आप कौन से कैंडिडेट को देखना चाहोगे? कैंडिडेट तो हमारा है एक राणा, कृष्ण लाल पवार जी, परिवहन मंत्री, उन्हीं को सपोर्ट करने वाले। क्या नाम आपका? महेंद्र है। महेंद्र जी, आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं? भाई पॉलिटिक सुन ले, पॉलिटिक कौन सी करवाओ, हम दूसरे तैयार हैं। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी ने अच्छे काम किए? पार्टी तो वैसे अच्छी, मोदी साहब बढ़िया, कट्टर है बेकार। अजर मैं आम तुमने को आया अजय चौटाला आया उड़ा अजय वैसे हम तुमने खाना। या तो अजय चौटाला को आप समर्थन करने वाले हैं यानी कि JJP को, या फिर हुड्डा सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस को समर्थन करें? क्यों, क्या कारण ऐसा रहा? इसको गरीबा हो क्या दिया, क्या करा गरीबा का इसको? बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों के लिए 2000 रुपये सब फंड है, खूब से निकल रही है, दिखाना करना कुछ है, करना देना कुछ है। तो इस राणा हल्के की अगर बात करें तो किस कैंडिडेट को आप चाहोगे? जो उठाएगा हल्के उसके करेंगे। अभी तक आपकी नज़र में किसने अच्छे कार्य किए? ये बात तो अच्छे कर रहे थे, मतलब जो करे मोदी ने बढ़िया काम कर रखा है, बिजली तो ने कराया, कट्टर ने कुछ क्या करा इसने, ये कहा मैं ये कर दूंगा गरीबों के लिए। आज तक गरीब ने क्यों क्या दिया? गरीब को लोन दिया है, वो प्लाट काटे है, गरीब को नड़का लगाया, क्या करा कुछ नहीं करा गरीब का। सब ये कांग्रेस के राज में नड़के भी लग गए, मकान भी मिले, सब कुछ मिले, गरीबों ने कुछ नहीं मिल रहा। एक कारण है, करना कुछ है, बका रहे हैं लोगों को। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आप? सुभाष चंद्र सोनव रामसर जाति बाजगर गांव नार से। कौन सी पार्टी को विधानसभा चुनाव में आप सपोर्ट करने वाले? विधानसभा बीजेपी को। क्यों? बीजेपी ऐसा है, सरकार अच्छी है, काम अच्छे कर रही है। सरकार तो काम अच्छे करती है, फिर लेकिन जो नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वाले काम अच्छे नहीं कर रहे। किसी से मतलब मेरे गाँव नारे में इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा, ना तो लड़कियाँ कॉलेज और ना कोई सरकारी अस्पताल। हमने सरकार से ये भी निवेदन करी थी कि मेरे गांव के अंदर इतनी पंचायती ज़मीन पड़ी है बहुत ही काफ़ी, एक लड़कियां कॉलेज होना चाहिए और एक सरकारी अस्पताल, ये नहीं बना। इस समस्या को लेकर आप किस शासन के पास गए या प्रशासन के पास, किसके पास गए थे और आपकी इस समस्या का समाधान नहीं? खट्टर जी आए थे, उसका जो रैली पाए थे उसे बोला था, पवार साहब से भी हमने कभी तलब कही भी हमारे लिए ये करो, कोई सुनाया नहीं। गांव नारा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सलूशन नहीं है, बहुत ही परेशान है। गरीबों का भी कुछ नहीं बन रहा, किसी वजह से मकान निकाल दिए, कोई कटवा देता है, जोड़ नाले हैं वो पानी के भर जाते हैं, किसी गरीब में पड़ जाते हैं मकान, कोई मतलब वो सलूशन सभी मतलब परेशानी में ज़्यादा है। समर्थन फिर भी बीजेपी को? बीजेपी ऐसा है वह गुंडागर्दी को नहीं ख़त्म करती, गाँव के अंदर ही सुधार अच्छा है मेरे गाँव के अंदर भी ऐसे भी, लेकिन काम करती है। यहाँ पर यह अड्डा था आज तक कम से कई साल पहले की बात, मैंने भी 30-40 साल की उम्र होली, आज तक इतने बड़े बड़े जमींदार या सरपंच बने हैं किसी ने निकाय, एक बहुत बड़ा चमार हमारा जो सरपंच बन रहा उसने अड्डे का सुविधा की है, अच्छी करी है भाई, बाहर के लड़का लड़की भी कोई भी पेड़ से अच्छा
कारोबार अच्छा करा सरपंच साहब ने, उसको भी नहीं होने दे रहे, उसको भी एक आधे कभी उसकी आर टी आई लाते हैं, कभी उसकी एप्लीकेशन लाते हैं, कि जो भी है अच्छा काम करता है उसको कुछ नहीं करने देते, जो उसका काम करता है उसकी सभी ताकत होते हैं। हमारे तो सरकार से यही एक उम्मीद है, आज और रिक्वेस्ट है, मेरे गाँव नारा में सिर्फ दो चीज़ होनी चाहिए, एक लड़कियाँ कॉलेज और एक सरकारी अस्पताल, ये हमारा। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? सुंदर। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? दुष्यंत। दुष्यंत, जेजेपी पार्टी को आप सपोर्ट करने वाले हैं, क्या कारण ऐसा रहा कि आप बीजेपी के कामों से खुश नहीं हो पाए या कांग्रेस के कामों से आप खुश नहीं हो? कुछ नहीं, बस अपनी खुशी था। अपनी खुशी से जेजेपी को समर्थन करेंगे? हाँ। तो जेजेपी की अगर बात करें, इस राणे से आप कौन सा चेहरा देखना पसंद करें? शायद ही हो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आप? राजेश कुमार। राजेश जी, आप कौन सी पार्टी को समर्थन करने वाले? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि अच्छी सरकार है ये। क्या कांग्रेस की अच्छी सरकार नहीं थी? INLD अच्छी नहीं है, जेजेपी अच्छी नहीं है, आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है? भाई मोदी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है, देश के विकास के लिए काम कर रहा है, अच्छी सरकार है, इसी को सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी को आप सपोर्ट करने वाले हैं, बीजेपी का कौन सा चेहरा देखना पसंद करेंगे? बीजेपी का तो भाई जो कोई सा आ जाए वही बनेगा। क्या नाम है जी आपका? बलबीर। बलबीर जी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने? बीजेपी का। ये बढ़िया सरकार है। कैसी सरकार है? अच्छी है ना, सारे अच्छे बढ़िया काम कर रखे हैं अच्छे। कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए? ना, कांग्रेस में इतने हुए, इतने इसमें हो गए। जेजेपी? हाँ बीजेपी में। इसमें इसमें बात, इसमें बीजेपी की बात करें, बीजेपी से कौन सा चेहरा देखना पसंद करोगे? हाँ जी, बीजेपी की बात करते हैं। हाँ जी, बीजेपी से किस कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं? कृष्ण पवार को। हाँ, कृष्ण पवार को करते जाओ, और कोई कैंडिडेट को जो उसका हुआ। आप कौन सी पार्टी? हम जो इसके करेंगे, जो सी बात चल रही है, मोदी वाली सरकार है। हाँ, किस कैंडिडेट को देखना पसंद? हम तो कृष्ण पवार को पसंद कर रहा हूँ। मैं जी दुष्यंत को जी। हाँ जी, कौन सी कैंडिडेट को आप देखना पसंद? मैं दुष्यंत, ये कोई ही पार्टी का है जो उसी की वोट देनी हमने तो। चर्चा करते हुए हम पहुंचे हैं गांव का, यहां पर मेन अड्डा है और यहां पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं और किस नेता को वो पसंद करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सुदेवान। सुदेवान जी, कौन सी पार्टी को समर्थन करने वाले हैं? बीजेपी को। क्यों? बढ़िया काम करे। क्यों? क्या कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए? नहीं करे, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? INLD, JJP? हम तो बीजेपी को देंगे। तो बीजेपी को ही? हाँ। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी से कौन सा चेहरा आप देखना पसंद करेंगे? बीजेपी भी तो हमारा ये एक खट्टर है, यहाँ यहाँ एक ऐसे राणा पवार है। हम आज हमारे काम के लिए बच्चे काम करे तो उसको ही चाहेंगे हम तो। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम आपका? इंदर सिंह। आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सी पार्टी को समर्थन करने वाले? हम तो हुड्डा को देवा भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? क्यों, क्या कारण ऐसा रहा? सरकार का हो, रिश्तेदारी में पढ़ते हैं। हाँ, रिश्तेदारी तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हाँ, उसको देवा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा जी चंद्रा। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? पता नहीं, या बच्चों से सलाह लेकर आप वोट डालने वाले? बंसीलाल। तो आप कौन सी पार्टी को समर्थन? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि बढ़िया है पार्टी। और पार्टी अच्छी नहीं है ना। तो किस चीज से आप प्रभावित होकर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले? खुश हो, हम इस पे सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सारा जमा बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम कर रहे सारे। तो इस राणा हलके की बात करते हैं, यहाँ से किस कैंडिडेट को चाहोगे आप? कृष्णलाल पवार को। क्या नाम आपका? रामा। रामा जी, आप कौन सी पार्टी को समर्थन? बीजेपी को। क्योंगे देंगे हम क्यों का के मतलब बढ़िया काम करे अगले। कांग्रेस में अच्छे काम नहीं हुए, INLD में अच्छे काम नहीं हुए, कोई क्या मैंने हम तो बीजेपी वोट देंगे भाई। क्या मजा आ रहा है इनके राज में। हाँ, तो
और किसी के राज में मजा नहीं है। इनके राज में ज्यादा मजा दोनों में, या इनके राज में ज्यादा मजा। बीजेपी को समर्थ। अगर बात करें इस राणा हलके की, यहाँ से किस कैंडिडेट को चाहोगे? जो भी कैंडिडेट बीजेपी मांगो उसको ही चाहूँ। नमस्कार। राम राम। क्या नाम? धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं हम तो। कौन सी पार्टी को समर्थन? भाई हाल तो इससे का बीजेपी का कर रहे हैं। बीजेपी का। तो बीजेपी की बात करें, किन नीतियों से प्रभावित होकर आप बीजेपी का समर्थन करने वाले? बस नो है, एक तो ऊपर अफसरा का बढ़िया ताड़ा लग रहा है इस राज्य में, सुनाई हो जाए लोगों की। बाकी और तो चलता रहा है थोड़ा बहुत, तो छोटा बड़ा तो। हाँ, बीजेपी को समर्थन करेंगे। बीजेपी इस राणा हल्के की बात करें तो यहाँ से किस कैंडिडेट को आप चाहोगे? खड़ा होगा उससे की देंगे। आप पंकज जी, आप किस? हम भी बीजेपी ने करेंगे भाई, और हम नारे पट रहे हैं कुणबद बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं। तो क्या ऐसी नीतियां रही बीजेपी ने अब तक, ऐसे क्या कार्य कराए हैं जिनसे आप प्रभावित हुए? मतलब इनने सही काम करा, कोई काम गलत नहीं करा ऐसा समाज की नज़रों में, भाई इसने ये बुरा करा ये करा। लेकिन विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इनने किसी चीज़ में कोई साबित करो, भ्रष्टाचार किसी चीज़ का है नहीं, उंगली उठा के दिखाओ कोई, जब तो मानेंगे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ इस राज्य में। लगता है बीजेपी का लक्ष्य जो 75 पार का वो पूरा हो पाएगा? वो 80 का होगा बिल्कुल। हाँ, 75 की बजाय 80 का होगा अब की बार। इस राणा हल्के से अगर बात करें तो यहाँ से आप किस कैंडिडेट को? किसी भी कैंडिडेट को भेजो पार्टी, उसी को देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, हम गांव नारा के अंदर थे, यही सराणा हलके के अंदर पड़ता है, और यहां पर लोगों ने क्या बताया, क्या उनकी थी राय, और यूं ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन जोगिंदर बाबा के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी।